इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं होता बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, यानी कि वोल्टेज जैसा ही काम करता है इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। तो आइए समझते हैं, बैटरी के पास में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन बैटरी जिस वोल्टेज से वर्क कर पाती है, जिस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है, उसको हम कहते हैं वोल्टेज। ऐसा मान लेते हैं बैटरी है और यहाँ पर ये सर्किट हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल ईएमएफ है, लेकिन इसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस खुद ही बैटरी से हो जाते हैं। तो जो आउटपुट जो करंट होती है वो ओनली डिपेंड करती है वोल्टेज पर। तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज होता है वो होता है ई माइनस के आई आर, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये फिर होने वाली यहाँ पर क्या होती है करंट। तो इतना अमाउंट बैटरी खुद ही लॉस कर लेती है, खुद ही कंज्यूम कर लेती है। तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कई बार इसको बोलते हैं। लेकिन बैटरी की जो कैपेसिटी है काम करने की वो कितना कर सकती है, दैट इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।